नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का काम के बारे में बताना चाहता हूँ। और इस घर का खासियत यह है कि इस घर में किसी भी तरह का आपको कॉलम देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना कॉलम का घर किस तरीके से बनाना चाहते हैं, अगर आप वीडियो को देखते हो पूरा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप बनवा सकते हो, या फिर अगर आप बिना कॉलम का घर बनाते हो तो कहाँ पर आपको सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। पूरा जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का जो साइज़ है इसका। तो इस घर को 25 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा, मतलब 25 फीट चौड़ाई है और 25 फीट लंबाई के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर के अंदर आपको दो रूम भी मिलेगा, किचन में मिलेगा, हॉल भी मिलेगा। पूरा जानकारी मैं अभी आपको अंदर चल के देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले जो आप इस घर के जो बाहर से काम किया गया है इसके बारे में समझ लीजिए कि आखिर किस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है। इस घर का जो फर्श का लेवल है, देख सकते हो लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास में इस घर के लिए फर्श का लेवल रखा गया है। और इस घर के लिए जो लेवल रखा गया है इसे आप कुर्सी लेवल भी बोल सकते हो। दोस्तों, अगर आप कुर्सी लेवल का अगर ध्यान से देखोगे तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पर बीम नज़र नहीं आएगा, ना ही तो आपको ग्राउंड लेवल पे एक ग्राउंड बीम नज़र आएगा, ना ही तो टाई बीम नज़र आएगा, ना ही प्लेन बीम नज़र आएगा। आपको ऊपर की तरफ दिखेगा तो सिर्फ लिंटल बीम यहाँ पर नज़र आ रहा है और छत के ढलाई के समय यहाँ पर फ्लोर बीम लगाया जाएगा, जो कि छत के ढलाई के साथ में ही कास्टिंग किया जाता है। तो आखिर किस तरीके से काम किया गया है, देख सकते हो ये जो लेवल है कुर्सी लेवल, यहाँ पर DPC का प्रयोग किया गया है। ये जो DPC आप देख रहे हो लगभग 2.5 इंची मोटा यहाँ पे कास्ट किया गया है कुछ इस तरीके से। इसमें किसी भी तरह का सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये डैम प्रूफ कोर्स होता है, इसका शॉर्टकट होता है DPC। आखिर इसे क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी आप लोग को जरूर समझ लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जहाँ पे घर बनाया जा रहा है वहाँ पे अगल बगल जो है वो ऐसा जगह है जहाँ पे पानी का जमाव हो सकता है बरसात में, जो यहाँ पे नमी है वो बरकरार रह सकता है, तो नमी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो इसके लिए यहाँ पर DPC का काम किया गया। अगर प्लिंथ बीम का काम किया जाता या फिर टाई बीम का यहाँ पर लगाया जाता तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, उसका जगह में टाई बीम का ही जो काम है वो इसका काम कर लेता। लेकिन कंस्ट्रक्शन बचाने के लिए ना ही तो इस घर में कॉलम लगाया जा रहा है और ना ही इस घर में बीम लगाया जाता है। तो आपके मन में भी एक शंका अभी होगा या फिर प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर बिना और कॉलम और बीम का जो आपका घर है उसे किस तरीके से आप बनवाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपका जो घर के लिए बीम होता है उसका काम क्या होता है, कॉलम का काम क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग को समझना चाहिए। ये जो देख रहे हो यहाँ पे आप बीम लगाते हो, फिर लिंटल लेवल पर बीम लगाते हो, उसके साथ साथ फ्लोर लेवल पर बीम लगाते हो, कुछ लोग ग्राउंड लेवल पर बीम लगाते हैं। सारा बीम का यही काम होता है कि जो भी आपका घर का लोड है उसे ट्रांसफ़र करते हुए वो आपके कॉलम तक लाएगा, फिर कॉलम उस लोड को धीरे धीरे नीचे की तरफ जो आपका फुटिंग है उसके द्वारा जो आपका ज़मीन है वहाँ तक पहुँचा देता है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीम का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर लिंटल बीम का प्रयोग किया गया है। और लिंटल बीम का प्रयोग भी इसलिए किया गया है कि इस घर का जो बंधन है वो बरकरार रखे। देखिए, आपको जो बीम लगाते हो तो सिर्फ वो लोड ही ट्रांसफर नहीं करता बल्कि आपका घर को बांध के रखता है। जैसे इस लेवल पे आप बीम लगाते हो तो आपका पूरा घर को यहाँ पे बांध के रखता है, फिर लिंटल लेवल पे आप ये बीम लगाते हो, लिंटल बीम पूरा अंदर से, तो वो लिंटल लेवल पे भी आपका घर को बांध के रखता है, उसके साथ साथ फ्लोर लेवल पर भी आपका घर को बांध के रखता है। तो ऐसा में आपको भूकंप में टूटने की समस्या है वो कम रहता है और उसका संभावना बहुत ही कम रहता है कि भूकंप आए तो वो टूटे या फिर लोड भी ट्रांसफर आसानी के साथ वो कर पाता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए, तीन जगह पर घर को बांधा जाता है, इस जगह पे प्लिंथ लेवल पे, लिंटल लेवल पे और स्लैब लेवल पे, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं किया गया है। और हालांकि एक अच्छा काम कर लिया गया है कि लिंटल का यहाँ पे बीम है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि जो इस घर का बीच वाला हिस्सा है उसे वो बांध के रखे। तो इस तरीके से इस घर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीका से लिंटल लेवल पर सिर्फ एक बीम के साथ यहाँ पे काम को किया जा रहा है और इस घर में कहीं भी आपको कॉलम जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, चाहे कॉर्नर की बात कर लिया जाए या फिर अंदर में भी बात कर लिया जाए। कॉलम अगर नहीं लगाते हो तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो भी हमारा घर का लोड होगा, जो छत का लोड होगा, आखिर वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कॉलम है ना ही बीम है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओ इसलिए मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि बांधने का काम तो यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हो एक जगह यहाँ पर बीम दे दिया गया है, लेकिन लोड नीचे कैसे आएगा इसके बारे में आपको समझना जरूरी है, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि कैसे
आप बिना कॉलम का घर और बिना बीम का घर को बनवा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 25 फीट के आसपास का इस घर के लिए फ्रंट व्यू है, बीच में इस घर के लिए जो मेन डोर है उसका काम किया गया है, उसके साथ साथ डबल विंडो आपको देखने को मिल जाता है। विंडो देख सकते हो, ये जो विंडो है ये इस घर के लिए किचन में लगाया गया है, और इधर आपको इस घर के लिए हॉल के लिए विंडो है उसका प्रयोग किया गया है। तो देखिए कुछ इस तरीका से इस घर का फ्रंट व्यू है। अब चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीका से काम किया गया है। तो जैसे ही दोस्तों आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, 4 फीट बाय 7 फीट के आसपास का आप चाहो तो मेन डोर लगा सकते हो, अच्छा साइज माना जाता है, और रूम में जाते ही आपको मिल जाता है 1.5 फीट बाय 11.5 फीट के आसपास का ये हॉल है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीका से हॉल आपको देखने को मिलता है, सामने की तरफ विंडो है उसे मैंने आप लोग को दिखाया था। उसके साथ साथ इसमें 2 बेडरूम भी आपको देखने को मिलता है, एक पीछे का कॉर्नर है राइट साइड का वहाँ पे, और पीछे का जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है वहाँ पे आपको बेडरूम देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको जल्दी से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो लोड है वो ट्रांसफ़र बिना कॉलम और बीम का किस तरीके से किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 फीट 3 इंच बाई 11 फीट 3 इंच के आसपास का आपको इस घर के लिए पहला बेडरूम देखने को मिल जाता है, और विंडो के रूप में भी 4 फीट बाई 3 फीट के आसपास का एक विंडो यहाँ पे लगाया गया है। वेंटिलेटर के लिए देख सकते हो, वेंटिलेटर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है ताकि प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन हो सके। इसके साथ साथ एक और रूम सेम साइज़ का 11 फीट 3 इंच बाई 11 फीट 3 इंच के आसपास का यहाँ पे लगाया गया है, वही 4 फीट बाई 3 फीट का यहाँ पे विंडो का प्रयोग भी किया गया है। वेंटिलेटर आप आसानी के साथ देख सकते हो, और यहाँ पे आपको ये जो हॉल और डाइनिंग एरिया है इसके जस्ट बगल में आपको इस घर के लिए किचन मिलता है, 8 फीट बाई 12 फीट के आसपास का इसका साइज है, 3 फीट बाई 7 फीट का किचन के लिए डोर है, और इस तरीका से एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म जो है उसका निर्माण किया गया है। स्लैब के रूप में यहाँ पे कास्टिंग किया गया है 3 फीट की ऊंचाई पे, एक और यहाँ पे स्लैब को लगाया गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने वहाँ से घर में एंटर किया, इधर मिला हॉल, यहाँ मिला आपको किचन, उसके साथ साथ उधर 1 बेडरूम मिला, फिर इधर 1 बेडरूम मिला। तो 2 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया और किचन इस घर में मिल रहा है। इस घर के बाहर में टॉयलेट, बाथरूम, उसके साथ साथ सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। तो आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर में कॉलम का निर्माण नहीं किया गया है तो जो लोड होगा, जो छत का लोड होगा, उसे नीचे की तरफ कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए कॉलम और बीम नहीं है तो ये सारा लोड किसके जरिए नीचे की तरफ आएगा, जो आपका घर का दीवाल है उसके जरिए जो लोड होगा छत का वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसा में दोस्तों बहुत सारे घर में आप देखते होंगे कि जो अंदर का दीवाल है, जो पार्टीशन वाला जिसे 5 इंची के साथ बनाया जाता है, तो ऐसा में अगर आप अंदर का दीवाल को 5 इंची के साथ रखते हो तो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि दीवाल पे ही जो घर का लोड है उसका जिम्मेदारी नीचे की तरफ लाने का। इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ दीवाल को 10 इंची का रखा गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 10 इंची का अंदर का दीवाल है उसे रखा गया है, बाहर का दीवाल को भी 10-10 इंची का ही रखा गया है, आप देख सकते हो। इधर भी आप देख सकते हो, या फिर उधर का जो बाहर दीवाल है वो भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो अगर आप प्रॉपर तरीका से कॉलम और बीम का इस्तेमाल कर लेते हो घर के अंदर में, तो आपको घर का जो अंदर का दीवार उसे 5 इंची के साथ आप रख सकते हो। यही कारण है कि यहाँ पे अंदर का जो दीवार है उसे 10 इंची के साथ रखा गया है। तो अगर आप भी कोशिश कर रहे हो घर बनाने का, अगर आपका बजट कम है, चाहते हो कि बिना कॉलम और बिना बीम का घर है वो निर्माण किया जाए, तो आपको अंदर और बाहर का दीवार 10 इंची के साथ रखना है। कम से कम आपको लिंटल बीम बिना कहीं कटा हुआ लिंटल बीम आपको इस्तेमाल करना है, ताकि कम से कम बीच में एक जगह है वो घर को आपको बांध के रखे। और फ्लोर बीम भी कोशिश कीजिएगा, जो फ्लोर का आप कास्टिंग कराओगे, छत का कास्टिंग कराओगे, तो उसके साथ भी आप बीम जरूर दिलवा लीजिएगा, ताकि दोनों जगह से घर को आपको बांध के रखे। ऐसा में भूकंप वगैरह भी आता है तो आपका घर में जो दरार पड़ने का समस्या आता है बहुत सारे घर में, बिना कॉलम वाला बिना बीम वाला घर में, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो घर के आपको बांध के रखेगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो नीचे का जो बीम है जिसे हम लोग प्लिंथ बीम बोलते हैं, उसका जो खर्च है वो बचा सकते हो, लेकिन आपको लिंटल लेवल पे और ऊपर में बीम जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर को बिना कॉलम और बिना बीम का बनाइए, लेकिन अगर बनाना चाहते हो तो इस तरीका से आप बना सकते हो, और इसका ख्याल रखते हुए आप अपने घर का काम है वो करवा सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।